देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने 28 दिसंबर को अपना 135वां दिवस मनाया। इस मौके पर कांग्रेस देश भर में CAA के खिलाफ फ्लैग मार्च निकाल रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून नोटबंदी बंद कर दो, ये नोटबंदी से भी बड़ा झटका होगा, कोई अमीर लाइन में खड़ा नहीं होगा क्योंकि अमीर लोग उनके दोस्त हैं। इस दौरान उन्होंने डिटेंशन सेंटर के मामले में भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है और एक वीडियो में डिटेंशन सेंटर के दृश्य हैं, इसलिए आप तय करें कि कौन झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि आज कांग्रेस का 135वां स्थापना दिवस है, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय में ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लूंगा, इसके बाद गुवाहाटी में एक रैली को संबोधित करूंगा। स्थापना दिवस के दिन हम लाखों कांग्रेस पुरुषों और महिला कार्यकर्ताओं के निस्वार्थ योगदान को स्वीकार करते हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.